हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर भाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड की है। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे जितने भारतीय खिलाड़ी हैं लगभग सभी की कुछ अच्छी गेम्स के ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। तो आज की उसी श्रृंखला में अर्जुन इरिगियासी की गेम है, जो उन्होंने हंगेरियन ग्रैंड मास्टर पीटर प्रोजगा के साथ खेली थी। चलिए करता हूँ शुरू यहाँ इस गेम को C4 के साथ। यहाँ अर्जुन इरिगियासी ने शुरू किया, पीटर का रिप्लाई E6 का आया, देन हुआ नाइट C3 D5 D4, Nf6 Nf3, Bishop E7, Cxd5, Xd5। कह सकते हैं कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन और उसके बाद एक्सचेंज वेरिएशन। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, देन Nh5, बिशप पर अटैक, बेचारे को वापस आना पड़ा D2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आ गया कैसल। अर्जुन का ई पॉन आगे पुश हुआ, देन हुआ Nf6, और ब्लैक का भी मैं कहूँ तो एक मूव तो खामा खामे वेस्ट हुआ। बेचारा नाइट जंप करके वापस आया। हाँ, वाइट का भी कह सकते हैं, बिशप गया और फिर उसे वापस आना पड़ा। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन नाइट एट B गोज टू D7, क्वीन C2, देन हुआ C6। और फ्रेंड्स, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन भी कैसल कर सकते थे, हो जाता तो क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ खेला गया G4 का मूव। ये मूव हमारे जैसा खिलाड़ी तो डरता है। देखिए, क्लियर है G4 स्क्वायर पर कौन सेक्रीफाइस है। एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली सेक्रीफाइस, एक्सचेंज। बिशप का टारगेट है नहीं, ऑल इज वेल। अगर यहाँ Nxg4 किया जाएगा तो सीधा सीधा Bxh7 होगा, किंग को हटाना पड़ेगा। एच पॉन आगे पुश कर दो, हटाओ नाइट को अपने, गए जाएगा F6 स्क्वायर पर, उसके बाद वाइट अपने बिशप को वापस लेकर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा मूव है। और ऊपर से यहाँ आप देखिए G5 भी आपको ऊपर मिल जाएगी, डबल डैमेज होगा यहाँ पर, मेटेरियल एक्सचेंज भी इक्वल रहेगा। खैर, यहाँ खेला गया नाइट, और नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद माइट भी हो सकता है बिशप को लेने की यहाँ पर तैयारियाँ हो, लेकिन पहले हुआ H1 आगे। इंटरेस्टिंग है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ G5। पॉन तो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ चुके हैं, नाइट भी बेचारा नहीं आ सकता नाइट के सपोर्ट के लिए फिलहाल। खैर, खेला गया F5 का मूव, तो एनपेसेंट किया। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मुझे G5 ऊपर मिल रही है, ले रहा हूँ। Gxf6 एम्पसेंट हुआ, Nxf6 हुआ, देन हुआ Ng5। और क्या कहूँगा मैं, नाइट एक्सचेंज की कोशिश माइट भी हो सकती है, लगता तो यही है। H6 करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ आपको एच पॉन वाला पंगा तो अभी भी खड़ा ही हुआ है। खैर, Nxe4, Dxe4, Nxe4, Nxe4, Bxe4, सारा मेट्रिकल एक्सचेंज इक्वल हो चुका है। और अब जरा करते हैं थोड़ा सा, बिशप कहाँ जाने को तैयार है ये क्लियर है, क्वीन कहाँ चेक देने को तैयार है ये भी क्लियर है। Bishop E6 की ऑप्शन को चुना गया, चलिए चेक से तो निजात मिलेगी, चेक तो नहीं आती है। Bishop C3 फॉर अर्जुन, ये एक मूव फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। और सही मायनों में कहूँ ना तो जो गेम आगे की आने वाली है लगभग इसी सिचुएशन के इर्द गिर्द वो बनने वाली है। खैर, यहाँ पहले खेला गया Rg1, और यहाँ इस एच पॉन को छोड़ दिया है कि ले लो आप, मुझे नहीं चाहिए वाले पॉन। क्या करें, बिशप कैसे टेक्स एच फोर, अगर किया गया तो कैसल होगा, उल्टा एफ पॉन और लटक जाएगा, ये क्या हो रहा है। चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया Bf6। यहाँ पीटर को भी पता है कि अगर उन्होंने ये एच फाइल वाला पॉन लिया तो जी और एच फाइल और एफ फाइल के पॉन जब नहीं होंगे तो कितना भयानक का अटैक लगने वाला है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। खैर, अर्जुन ने यहाँ कैसल कर लिया है, देन हुआ Qe7, बिशप गया G6 स्क्वायर पर, और फाइनली इस बिशप को जाना भी वहीं था, और रुक पर अटैक बना है तो रुक गया E8 स्क्वायर पर, रुक E8। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये A2 पॉन, हालांकि हम कितना ही कहें कि आउट ऑफ बेकार है ये हुआ है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट तो था, तो King B1 करना चाहिए था। बिशप H4 ठीक है, एच पॉन का चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ खेला गया Bc3 होने के बाद Bxa2, Bxa2। देखिए, पॉन आगे पुश नहीं हो सकता क्योंकि क्वीन आपको नजर आ रही है, तो बिशप ट्रैप होने का तो कोई चांस ही नहीं है। Rd2 या इस तरह के कुछ मूव खेलने पड़ेंगे। खैर, यहाँ खेला गया A5, बिशप आया F5 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आसनी है, और इस बार बिशप एक्सचेंज ना करते हुए Bxa2 का मूव खेला गया है यहाँ पीटर के द्वारा। पॉन्स के साथ काफी खतरनाक गेम खेल रहे हैं मैं कहूंगा अर्जुन फिलहाल। रुक आया G6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स, रुक के G6 स्क्वायर पर आने के बाद आपको यहाँ
ये एक तरह का आई ओपनर है। रुक डायरेक्टली सिक्स रैंक में आए, ब्लैक को ये थ्रेट माननी चाहिए थी मेरे ख्याल से। व्हाइट को भी रुक को सीधा जी सिक्स स्क्वायर पर जाकर पटक दिया, तो वो भी आसान चीज़ तो नहीं है। दिमाग में बहुत मूव चल रहे होंगे, रुक्स की बैटरी सबसे पहले नज़र आ रही है, तो ब्लैक को क्या करना चाहिए, बिशप एफ सेवन वो बेहतर था। उसके बाद आपको पहले रुक हटाना पड़ता, फिर कुछ और लगता वहाँ पर, लेकिन यहाँ खेला गया रुक एफ एट। रुक के एफ एट स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरा मानना ये है कि काम तो हो चुका है अर्जुन का। अब आपको ये एच पॉन तो खतरे में नज़र आ रहा है, उसकी दिक्कत है, तो किंग को हटाना पड़ेगा, ये फोर्स्ड मूव है। किंग एच एट स्क्वायर पर के अलावा कोई ढंग का स्क्वायर है नहीं जाने के लिए। खैर ई फोर, फ्रेंड्स ई फोर होने के बाद क्या आपको लगता है कि यहाँ ये ई पॉन आगे कुछ होगा बिशप पर अटैक बनाने के लिए? पॉन हाँ एक मूव है, लेकिन एक मूव है और बहुत कुछ खेला जा सकता है। क्या किया जाए? बिशप जी एट फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छी ऑप्शन थी। क्यों? क्योंकि जिस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है, मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि यहाँ एक रुक सेक्रीफाइस आएगा, यानी कि एच सेवन स्क्वायर पर ब्लैक को ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए था। मैं इस मूव को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यहाँ खेला गया रुक एफ सेवन। रुक के एफ सेवन स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है, आपने यहाँ इस जी सेवन स्क्वायर का डिफेंस कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ एच सिक्स स्क्वायर पर रखे हुए पॉन के साथ। क्वीन डी टू, और इस बात को पुख्ता भी कर लिया गया है, ये आपको नजर आ गया होगा। क्लियरली यहां पर आपको अब एच सिक्स पॉन पर अटैक बनता हुआ नजर आ रहा होगा। क्या करें? क्वीन सी सेवन, फ्रेंड्स क्वीन का सेवन्थ रैंक में होना मेरी नजर में थोड़ा जरूरी था, क्योंकि फ्रेंड्स यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टिक्स एच सिक्स तो मैं मेरा मानना है कि होगा ही होगा। और उसके बाद यार बिशप भी तो अनडिफेंडेड हो जाता है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जी टेक्स एच सिक्स अगर होगा तो क्वीन से चेक आएगी, उससे बचने के लिए आपने रुक लगा दिया। रुक को एलिमिनेट करो अपने बिशप से, बिशप टेक्स एच सेवन, फिर आप क्वीन टेक्स एच सेवन कर लो, और उसके बाद ये बिशप और ये चेकमेट, इन फंस गई गेम। खैर इन बिटवीन काफ़ी मूव थे जो चले जा सकते थे, गेम फंसती नहीं। खैर यहाँ पर खेला गया क्वीन एफ एट। यहाँ पीटर के दिमाग में रहा होगा कि किसी भी तरह से मुझे एच सिक्स स्क्वायर के डिफेंस को रखना है। बिल्कुल सही भी है, मैं काफ़ी देर से यही बोल रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स अर्जुन ने एक और गजब का मूव खेला, उन्होंने यहाँ अपने डी पॉन को आगे पुश किया, बिशप एक्शंस आस की। अगर यहाँ बिशप एक्शंस होते हैं तो किस तरह का अटैक लगेगा ये बिल्कुल क्लियर है, ये खतरनाक अटैक है। बिशप टेक सी थ्री, क्वीन टेक सी थ्री होगा, देन उसके बाद रुक एफ सिक्स कर दें, लेकिन फिर वहाँ आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वीन टेक जी सेवन, रुक टेक जी सेवन, किंग टेक जी सेवन, देन क्वीन जी थ्री चेक। क्या चलते हैं गेम पर फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया सी टेक्स डी फाइव, और ऐसा करने के बाद प्रॉब्लम खड़ी हुई जब यहाँ अर्जुन ने अपने ई पॉन को आगे पुश किया, बिशप पर अटैक बना, हटाओ बिशप को, अब आपको हटाना पड़ेगा। बिशप ई सेवन स्क्वायर्स बहुत इस बिशप के साथ दिक्कत है, बिशप टेक्स एच, चलो कर लिया, बढ़िया है, ये पॉन देना ही था। ई सिक्स, फ्रेंड्स ई सिक्स होने के बाद क्या आपको लगता है कि ये पॉन क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचाया जा सकता है, या इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचाने की कोशिश भी करनी है? नहीं, ये आपको रुक हटवाना है किसी भी तरह से। आपको यहाँ ये वाला डेडली अटैक दिख रहा है, देखिए पॉन पिन है ये वाला जी सेवन स्क्वायर पर रखा हुआ, चेकमेट हो सकती है, आराम से हो सकती है। खैर यहाँ खेला गया रुक एफ सिक्स, रुक एक्शंस आस्किंग, देन हुआ ई सेवन। फ्रेंड्स अर्जुन मैं सही बताऊं, अगर मैं ये मूव देखूं ना, कम से कम मैं नहीं बता सकता था कि ई सेवन पॉन भी आगे पुश होने वाला। वो एक और पॉन सेक्रीफाइस है, पॉन ही पॉन सेक्रीफाइस कर मारे यहाँ पर। क्वीन टेक्स ई सेवन हुआ, और फ्रेंड्स जैसे तो मैं कहूँगा कि फाइनल अटैक होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्वीन टेक्स एच सिक्स होने के बाद पीटर ने कहा कि थोड़ा हौसला दिखाया कि चलो और करता हूँ, डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस आई है। अब क्वीन सेक्रीफाइस है तो क्या करना चाहिए, मैं तो किंग को हटाना ज़्यादा सही समझूंगा, लेकिन चेकमेट फिर भी होती है। क्यों होती है? रुक टेक जी सेवन चेक, क्वीन से कर लो दो चेकमेट है, किंग को एफ एट स्क्वायर पर ले जाओ तो चेकमेट है, क्वीन एच एट चेक। चलिए यहाँ खेला गया जी टेक्स एच सिक्स, जी टेक्स एच सिक्स खेला गया। दिमाग में तो यही रहा होगा ना कि ठीक है आप लो, मैं भी अरे रुक तो पिन है, कैसे हट जाएगा? एग्जैक्टली कैसे हटेगा? रुक टेक्स एच सिक्स चेक, क्वीन बीच में लग गई, देन हुआ रुक टेक्स एच सेवन चेक, और वो फ्रेंड्स वाकई में बहुत गजब का प्रेशर बनाकर रखा अर्जुन ने, मैं एक तरह से शिकंजा कसता ही चला गया अपने ओपोनेंट पर, बहुत बढ़िया।
फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।